छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के बाद किसान खेती किसानी में लग गए हैं, जिसे देखते हुए सीएम विश्वदेव साय ने किसानों का मनोबल बढ़ाया। राज्य में अच्छी खेती की कामना करते हुए जशपुर जिले के बगिया में सीएम ने अपने पुश्तैनी खेत में धान की बुआई की। सीएम ने अच्छी फसल की कामना के लिए खेतों में पूजा अर्चना कर इष्ट देवता को याद किया, फिर बीजों का छिड़काव किया। सर में पगड़ी, हाथों में धान लेकर खेत में धान छींटते हुए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय का वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है। आज हमने धरती माता का पूजा अर्चना किया है और अपने हाथों से 5 मुट्ठी धान का बीज धरती माता के गोद में डाले हैं और धरती माता से प्रार्थना किए हैं कि ये बीज अच्छे से उगे, अच्छे से उसका ग्रोथ हो, किसी तरह से कोई कीट व्याधि का प्रकोप मत हो और अच्छा पैदावार हो और पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के खुशहाली के लिए धरती माता से आज हम प्रार्थना की। सीएम साय ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी किसानों के प्रति बहुत चिंता है और कृषक सम्मान निधि की राशि किसानों को साल में 6,000 रुपया देते हैं, फिर किस्तों में आता है और किसानों पर बड़ा फायदेमंद होता है। इस पैसे से किसान अच्छा धान का बीज, खाद, दवाई खरीद सकता है और पैदावार बढ़ा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को लाभ हो रहा है, जिससे वे अच्छे बीज और अच्छी खाद खरीद कर पैदावार बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है ये मानसून किसानों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।